नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस ब्लडिंग्स स्टील मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोट्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस ब्लडिंग स्टील मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोर्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा और इस ब्लडिंग स्टील मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस ब्लडिंग स्टील मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदल सकते हैं। दूसरा मोटिवेशनल कोट्स, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता कि हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। जैकी चैन की साल 2023 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है? अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2017 में रिलीज़ हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था। जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक, इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर
जैकी चैन स्टैंडर्ड हाउएवर इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टुगेदर दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम दिस एड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ ए 64-year-old एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वुल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके स्क्रिप्ट वेरी गुड एक्ट्रेस वेरी गुड वीएफएक्स ऑल थ्रू गुड स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही कुड हैव क्रिएट लिटिल मैंथ एंड ट्विस्ट बाय द वे आई थिंक इट इज़ गुड एवरेज मूवी डज नॉट डिसअपॉइंटमेंट यू द विथ जैकी चैन एक्शन वे एंड साइंस फिक्शन सीन्स इट लुक्स लाइक दे विल मैक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गुड आई रियली एन्जॉय दिस फिल्म इट एड एक्शन एंड ए गुड स्टोरी इट वॉज फाइन राइट अप अंटिल द एंड स्पोलियर अलर्ट द मैन विलन इज मोस्ट कार्टून क्लिड एट द एंड बट दैन द अनएक्सपेक्टेबल कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सीन्स ए मैन करैक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड द मैन अपीयर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुड बी हैप्पी एंडिंग दिस मोर नो एंड सीन्स ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन इट इज एक्शन पैकड सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन यस द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर प्रेस मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस डोंट एंड गुड अनदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर दैन करैक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ईटीसी जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड ही इज सो शोइंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन माई हम्बल रिक्वेस्ट इट सो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65-year-old I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. The Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was pulled into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't. Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman how of this good think about remove from the whole plot the funny parts very not funny at all Homer was placed in the most stressful situation the ending was even more confusing I love Jackie Chan but this was not good at all anyone alleged release that it say United Nation especially growled until that they're all in the but is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft we want to
सेकंड पार्ट आल्सो लव यू जैकी सर फ्रॉम इंडिया वी आर वाचिंग योर फिल्म सिंस चाइल्डहुड जैकी चैन इज चेयरली ऑन टॉप एंड दिस मूवी द मूवी सो इनफॉर्मेटिव इंस्पायरिंग आई ओपनिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन नॉट थिंक फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू रियली पब्लिशियर एंड गुड हाईलाइट इवन थ्रू आउट द मूवी शेयर स्टार्ट ओ प्रोमाइज नोट एंड फॉल्स दिस अनकॉनविंग क्लिमिक्स जैकी चैन इज द ओनली रीजन टू वॉच दिस मूवी अदर दैन दैट दिस वन इज कंप्लीटली फॉरगेटेबल क्लिमिक्स कुड हैव बीन बेटर दैन द स्टोरी प्लॉट एलिमेंट्स एंड अटैम्प्ट एट ह्यूमर सीम एवरेज ब्लडिंग स्टील वॉज ए मेडिकोर मूवी विथ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस इनक्लूड जैकी चैन परफॉर्मेंस कन्फ्यूज एंड टेडरनेशनल स्टोरी एंड बैड ऑफ दिस चाइनीज एंड ए सीरियसली प्योरली कंस्ट्रक्शन मूवी प्लॉट होल्स मेजर साइंस फिक्शन एंड गुड स्पेशली एंड रेडिकुलस नेवर ऑफ दिस आई लव जैकी चैन बट इन दिस मूवी आई रियली लेस पार्ट ऑफ दिस गुड रियली एंजॉय इट नॉट द यूजफुल क्राइम स्टील। साल 2017 में रिलीज़ हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था। जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो एमएक्स प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक, इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर, इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टुगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम दिस सैड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64-year-old एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, वीएफएक्स ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही could have created little myth and twist. By the way, I think it is good average movie does not disappointment you the with Jackie Chan action and science fiction since it looks like they will make second part of this good. I really enjoy this film, it had action and a good story, it was fine right up until the end. Spoiler alert, the main villain is most cartoon clipped at the end but then the unexpected table
कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम्प स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सिंस ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड द मैन अपियर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुल्ड बी हैप्पी एंडिंग दिस मोर नो एंड सिंस ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन इट इज एक्शन पैकड सी मूव योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन यस द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर ब्रेस मूड एंड वाट आई लव द्वाज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस डोंट एंड गुड अनदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर दैन करैक्टर लोक स्टोर स्टोरी लाइन ई टी सी जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड ही इज सो सोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट फैंस लाइक वी विल गैट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड दैन माई हम्बल रिक्वेस्ट इट सो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 हेयर ओल्ड I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. The Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was pulled into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't. Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman how of this good think about remove from the wool plot the funny parts very not funny at all Homer was palace in the most stressful situation the ending was even more confusing I love Jackie Chan but this was not good at all anyone else released that it say United Nation especially growled until that they're all in the but is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft we want to share Second part also love you Jackie sir from India we are watching your film since childhood Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie is so informative inspiring eye opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publisher and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false this unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this movie other than that this one is completely forgettable climax could have been better than the story plot elements and attempt at humor seem average blading steel was a mediocre movie with acceptable performance include jackie chan performance confused and international story and bad op this chinese and a seriously purely construction movie plot holes major science fiction and good especially and red lesson never op this I love Jackie Chan but in this movie I really less part op this good really enjoy it not the usual crime steel and good science fiction and really different op amazing movie
साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था, जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 70% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक। इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर, इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टूगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसाइड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64-year-old एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, VFX ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही could have created little month and twist. By the way, I think it is good average movie, does not disappointment you. The with Jackie Chan action and science fiction scenes, it looks like they will make second part of this good. I really enjoy this film. It had action and a good story. It was fine right up until the end. Spoiler alert, the main villain is most cartoon clipped at the end, but then the unexpected table comes back for a non-signification jump scare that made is absolutely no sense. A main character is definitely killed at the end. The man appears later and sketch so that there could be happy ending. This more no and since all the this was a good movie until the unrealistic ending. I did say it is a must seen for all Jackie Chan fans. The being along the worth the price of admission. It is action packed, see yourself and good think about. I have every scene and good think about very always. This movie had one thing good in the end, that is Jackie Chan. Yes, the plot was gripping and funny. The most light heart movie is good for press mood and what I love was the Chan was doing all the action. A father you are try to fun disappointment is a understanding with so many quality movie out
अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस. लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी. एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस वोंट एंड गुड अनदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन. दिस क्राइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर देन करेक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ETC जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड. ही इज सो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट. फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन. माई हम्बल रिक्वेस्ट इट सो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स. सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 हेयर ओल्ड. I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. The Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was falling into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't. Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman. How of this good think about remove from the whole plot the funny parts very not funny at all. Homer was palace in the most stressful situation. The ending was even more confusing. I love Jackie Chan but this was not good at all. Anyone else release that it say United Nation especially growled until that they're all in the but is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft. We want to share second part also love you Jackie sir from India. We are watching your film since childhood. Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie is so informative inspiring eye opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publish here and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false. This unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this movie. Other than that this one is completely forgettable. Climax could have been better than the story plot elements and attempt at humor seem average. Blooding Steel was a mediocre movie with acceptable performance include Jackie Chan performance confused and international story and bad op this Chinese and a seriously purely construction movie plot holes major science fiction and good especially and red lesson. Never op this I love Jackie Chan but in this movie I really less part op this good really enjoy it note the useful crime steel and good science fiction and really different op amazing movie. साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की. जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था. जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी. जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी. तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद. जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है. और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी. अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी. अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च
सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 70% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नोट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक। इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर, इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टूगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसाइड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64 ईयर ओल्ड एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, VFX ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही could have created little month and twist. By the way, I think it is good average movie, does not disappointment you. The with Jackie Chan action and science fiction scenes, it looks like they will make second part of this good. I really enjoy this film, it had action and a good story, it was fine right up until the end. Spoiler alert, the main villain is most cartoon clid at the end but then the unexpected table comes back for a non-scientific jump scare that made is absolutely no sense. A man character is definitely killed at the end. The man appears later and sketch so that there could be happy ending. This more no and since all the this was a good movie until the unrealistic ending. I did say it is a must seen for all Jackie Chan fans. The being along the worth the price of admission. It is action packed, see yourself and good think about. I have every scene and good think about very always. This movie had one thing good in the end, that is Jackie Chan. Yes, the plot was gripping and funny. The most light heart movie is good for press mood and what I love was that Chan was doing all the action. A father you are try to fun disappointment is a understand with so many quality movie out other than this movie can definitely miss. Life is really too short to spend on this kind of movie. Action scenes are okay but are disjoint to their education and editing, story and poor giving than of miss were don't and good. Another average movie from the house of Jackie Chan. This time science fiction plot with paper than character lock store storyline etc. Jackie Chan action is not good. He is showing as it cannot handle simple add to and compact. Fans like we will get disappointment after every film now and then. My humble request it so and good think about fun movie Jackie Chan still entertainment you good popcorn movie and good way spend a couple of hours. Surprise, it was action science fiction Jackie Chan still movie great for 65 year old.
आई एम नॉट द बिगेस्ट जैकी चैन बट आई विल नेवर एन्जॉय मूवी दैट हैज सो मैनी जनरेशन इन दिस मूवी द जैकी चैन आर जूनिवली एंड नॉट वेरी अम्यूजिंग आई थ्रू आउट आई वॉज वॉचिंग ए थ्रिलियर बट आई वॉज फॉलिड इन टू ए एक्शन कॉमेडी मूवी बट आई हैड टू फ्रीनिश इट सो आई कैन नाउ हाउ द एंड गुड कैमरा मैन लुक द प्लॉट वॉज कन्फ्यूजिंग द यूज ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटी आई Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman how of this good think about remove from the wool plot the funny parts very not funny at all Homer was palace in the most stressful situation the ending was even more confusing I love Jackie Chan but this was not good at all anyone else released that it say United Nation especially growed until that they're all in the but is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft we want to second part also love you Jackie sir from India we are watching your film since childhood Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie is so informative inspiring eye-opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publisher and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false this unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this movie other than that this one is completely forgettable climax could have been better than the story plot elements and attempt at humor seem average blooding still was a mediocre movie with acceptable performance include Jackie Chan performance confused and international story and bad of this Chinese and a seriously purely construction movie plot holes major science fiction and good especially and red collection never op this I love Jackie Chan but in this movie I really less part op this good really enjoy it not the usual crime still and good science fiction and really different op amazing movie साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 79% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़
नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक, इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टूगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसाइड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64 ईयर ओल्ड एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वुल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, वीएफएक्स ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही कुड हैव क्रिएट लिटिल मैंथ एंड ट्विस्ट। बाई द वे आई थिंक इट इज़ गुड एवरेज मूवी डज नॉट डिसअपॉइंटमेंट यू द विथ जैकी चैन एक्शन वे एंड साइंस फिक्शन सीन्स। इट लुक्स लाइक दे विल मैक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गुड। आई रियली एंजॉय दिस फिल्म, इट एड एक्शन एंड ए गुड स्टोरी। इट वॉज फाइन राइट अप अंटिल द एंड। स्पॉइलर अलर्ट, द मैन विलन इज मोस्ट कार्टून क्लिड एट द एंड बट दैन द अनएक्सपेक्टेबल कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सीन्स। ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड। द मैन अपियर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुल्ड बी हैप्पी एंडिंग दिस मोर नो एंड सीन्स ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग। आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस। द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन। इट इज एक्शन पेकड सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज। दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन एज द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी। द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर प्रेस मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन। ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस। लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी। एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस वर डोंट एंड गुड अनोदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन। दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर देन करेक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ईटीसी जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड ही इज शो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट। फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन। माई हम्बल रिक्वेस्ट इट शो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स। सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 ईयर ओल्ड। I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. The Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was pulled into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman. How of this good think about remove from the whole plot the funny parts very not funny at all. Homer was palace in the most stressful situation. The ending was even more confusing. I love Jackie Chan but this was not good at all. Anyone is released that it say United Nation especially grow wide until
टिल दैट देर आल इन द बट इज रियलिटी देर एक्चुअली नो सच थिंक एंड अनसैप एंड देर वॉज दे वुल्ड एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टॉप वाई कैन नॉट टू यूज चाइनीज पुलिस स्पेशल फोर्स सो दैट रियली थ्रू मी ऑफ द एंड अनोदर दैन जैकी चैन माई फेवरेट लव द एक्शन बट ये नॉट सो गुड आल थ्रू गुड मूवी बट इट कुल्ड बी मोर बैटर इज स्क्रिप्ट एंड स्टोरी लाइन हैव बैटर क्राफ्ट वी वॉन्ट टू सेकेंड पार्ट आल्सो लव यू जैकी सर फ्रॉम इंडिया वी आर वॉचिंग योर फिल्म सिंस चाइल्डहुड जैकी चैन इज चेयरली ऑन टॉप एंड दिस मूवी द मूवी सो इनफॉर्मेटिव इंस्पायरिंग आई ओपनिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन नॉट थिंक फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू रियली पब्लिशियर एंड गुड हाईलाइट इवन थ्रू आउट द मूवी सेट स्टार्ट ओ प्रोमाइज नोट एंड फॉल्स दिस अनकॉनविंग क्लिमिक्स जैकी चैन इज द ओनली रीजन टू वॉच दिस मूवी अदर दैन दैट दिस वन इज कंप्लीटली फॉरगेटेबल क्लिमिक्स कुल्ड हैव बीन बैटर दैन द स्टोरी प्लॉट एलिमेंट्स एंड अटैम्प्ट एट ह्यूमर सीम एवरेज ब्लडिंग स्टील वॉज ए मेडिकोर मूवी विथ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस इनक्लूड जैकी चैन परफॉर्मेंस कन्फ्यूज एंड टेडरनेशनल स्टोरी एंड बैड ऑफ दिस चाइनीज एंड ए सीरियसली प्योरली कंस्ट्रक्शन मूवी प्लॉट होल्स मेजर साइंस फिक्शन एंड गुड स्पेशली एंड रेड कलर्स नेवर ऑफ दिस आई लव जैकी चैन बट इन दिस मूवी आई रियली लेस पार्ट ऑफ दिस गुड रियली एंजॉय इट नॉट द यूजफुल क्राइम स्टील एंड गुड साइंस फिक्शन एंड रियली डिफरेंट ऑफ अमेजिंग मूवी। साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था। जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो एमएक्स प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नोट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक। इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउएवर इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टुगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसैड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64 ईयर ओल्ड एक्शन मास्टर जैकी चैन
एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मेक दिस मूवी ओके. स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, वीएफएक्स ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क. आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी. द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही कुड हैव क्रिएट लिटिल मैंथ एंड ट्विस्ट. बाई द वे आई थिंक इट इज़ गुड एवरेज मूवी डज नॉट डिसअपॉइंटमेंट यू द विथ जैकी चैन एक्शन वे एंड साइंस फिक्शन सीन्स. इट लुक्स लाइक दे विल मेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गुड. आई रियली एन्जॉय दिस फिल्म. इट एड एक्शन एंड ए गुड स्टोरी. इट वॉज फाइन राइट अप अंटिल द एंड. स्पॉइलर अलर्ट, द मैन विलन इज मोस्ट कार्टून क्लिड एट द एंड बट दैन द अनएक्सपेक्टेबल कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम्प स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सीन्स. ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड. द मैन अपियर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुल्ड बी हैप्पी एंडिंग दिस मोर नो एंड सीन्स ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग. आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस. द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन. इट इज एक्शन पैकड. सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट. आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज. दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन. यस द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी. द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर ब्रेस मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन. ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस. लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी. एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस व डोंट एंड गुड अनोदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन. दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर देन करेक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ETC जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड. ही इज सो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट. फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन. माई हम्बल रिक्वेस्ट इट सो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स. सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 हेयर ओल्ड. I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. The Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was pulled into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't see why when you have Chinese speaking cast. Then again in the use of this white woman, how of this good think about remove from the whole plot. The funny parts very not funny at all. Homer was palace in the most stressful situation. The ending was even more confusing. I love Jackie Chan, but this was not good at all. Anyone is released that it say United Nation especially growed until that they're all in the butt is reality. There actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop. Why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft. We want to shake part also love you Jackie sir from India. We are watching your film since childhood. Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie so informative inspiring eye-opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publisher and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false. This unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this
दिस मूवी अदर दैन दैट दिस वन इज कंप्लीटली फॉरगेटेबल क्लिमिक्स कुल्ड हैव बीन बैटर दैन द स्टोरी प्लॉट एलिमेंट्स एंड अटैम्प्ट एट ह्यूमर सीम एवरेज ब्लडिंग स्टील वॉज ए मेडिकोर मूवी विथ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस इनक्लूड जैकी चैन परफॉर्मेंस कन्फ्यूज एंड टेडरनेशनल स्टोरी एंड बैड ऑफ दिस चाइनीज एंड ए सीरियसली प्योरली कंस्ट्रक्शन मूवी प्लॉट होल्स मेजर साइंस फिक्शन एंड गुड स्पेशली एंड रेड कलर्स नेवर ऑफ दिस आई लव जैकी चैन बट इन दिस मूवी आई रियली लेस पार्ट ऑफ दिस गुड रियली एंजो इट नॉट द यूजफुल क्राइम स्टील एंड गुड साइंस फिक्शन एंड रियली डिफरेंट ऑफ अमेजिंग मूवी। साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था। जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो एमएक्स प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक, इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउ सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर, इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टूगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसैड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64-year-old एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, वीएफएक्स ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही could have created little month and twist. By the way, I think it is good average movie, does not disappointment you the with Jackie Chan action and science fiction since it looks like they will make second part of this good. I really enjoy this film, it had action and a good story, it was fine right up until the end. Spoiler alert, the main villain is most cartoon clear at the end but then the unexpected. Table
कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिक जंप स्केयर दैट मैड इज एब्सोल्युटली नो सिंस ए मैन करैक्टर इज डेफिनेटली क्लीड एट द एंड द मैन अपीयर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देयर कुड बी हैप्पी एंडिंग दिस मो नो एंड सिंस ऑल द दिस वाज ए गुड मूवी अंटिल द अनरियलिस्टिक एंडिंग आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन इट इज एक्शन पैकड सी मो योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन यज द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर फ्रेश मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पूर गिविंग देन ऑफ मिस व डोंट एंड गुड अनोदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर दैन करैक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ई टी सी जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड ही इज शो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट फैंस लाइक वी विल गैट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड दैन माई हम्बल रिक्वेस्ट इट शो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 हेयर ओल्ड I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. That Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was pulled into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't. Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman how of this good think about remove from the wool plot the funny parts very not funny at all Homer was placed in the most stressful situation the ending was even more confusing I love Jackie Chan but this was not good at all anyone else released that it say United Nation especially growled until that they're all in the but is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft we want to shake Second part also love you Jackie sir from India we are watching your film since childhood Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie is so informative inspiring eye-opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publisher and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false this unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this movie other than that this one is completely forgettable climax could have been better than the story plot elements and attempt at humor seem average blooding still was a mediocre movie with acceptable performance include Jackie Chan performance confused and international story and bad op this Chinese and a seriously purely construction movie plot holes major science fiction and good especially and red lesson never op this I love Jackie Chan but in this movie he is really less part op this good really enjoy it not the usual crime still and good science fiction and really different op amazing movie
साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था, जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक, इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउएवर इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टुगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम दिस सैड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64-year-old एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, VFX ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही could have created little myth and twist. By the way, I think it is good average movie, does not disappointment you. The with Jackie Chan action and science fiction scenes, it looks like they will make second part of this good. I really enjoy this film, it had action and a good story, it was fine right up until the end. Spoiler alert, the main villain is most cartoon clid at the end, but then the unexpected टेबल कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सीन्स। ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड, द मैन अपियर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुल्ड बी हैप्पी एंडिंग दिस मोर नो एंड सीन्स ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग। आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस। द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन, इट इज एक्शन पैकड सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज। दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन, यस द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी, द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर ब्रेस मूड एंड वाट आई लव द्वाज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन। ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट
वॉट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस. लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी. एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस वोंट एंड गुड. अनदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन. दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर देन करेक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ईटीसी. जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड. ही इज सो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट. फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन. माई हम्बल रिक्वेस्ट इट सो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स. सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 हेयर ओल्ड. I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. The Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was pulled into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't. Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman. How of this good think about remove from the whole plot the funny parts very not funny at all. Homer was placed in the most stressful situation. The ending was even more confusing. I love Jackie Chan but this was not good at all. Anyone is released that it say United Nation especially growed until that they're all in the but is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft we want to shake part also love you Jackie sir from India we are watching your film since childhood. Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie is so informative inspiring eye-opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publish here and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false this unconvincing climax. Jackie Chan is the only reason to watch this movie other than that this one is completely forgettable. Climax could have been better than the story plot elements and attempt at humor seem average. Blading Steel was a mediocre movie with acceptable performance include Jackie Chan performance confused and international story and bad op this Chinese and a seriously purely construction movie plot holes major science fiction and good especially and red lesson never op this I love Jackie Chan but in this movie I really less part op this good really enjoy it not the usual crime steel and good science fiction and really different op amazing movie. साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की. जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था. जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी. जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी. तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद. जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है. और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी. अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी. अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर
सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक, इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउएवर, इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टुगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव फैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसाइड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64 ईयर ओल्ड एक्शन मास्टर जैकी किचन एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, VFX ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही could have created little month and twist. By the way, I think it is good average movie, does not disappointment you. The with Jackie Chan action and science fiction scenes, it looks like they will make second part of this good. I really enjoy this film, it had action and a good story, it was fine right up until the end. Spoiler alert, the main villain is most cartoon clid at the end but then the unexpected टेबल कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम्प स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सिंस ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लीड एट द एंड द मैन अपीयर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुड बी हैप्पी एंडिंग दिस मो नो एंड सिंस ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग। आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस। द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन, इट इज एक्शन पैकेड, सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज। दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन, यस द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी, द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर ब्रेस मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंड विथ सो मैनी क्वालिटी movie out other than this movie can definitely miss. Life is really too short to spend on this kind of movie. Action scenes are okay but are disjoint to their education and editing, story and poor giving than of miss were don't and good. Another average movie from the house of Jackie Chan. This time science fiction plot with paper than character lock store storyline etc. Jackie Chan action is not good, he is showing as it cannot handle simple add to end combat. Fans like we will get disappointment after every film now and then. My humble request it so and good think about fun movie Jackie Chan still entertainment you good popcorn movie and good way spend a couple of hours surprise it was action science fiction Jackie Chan still movie great for 65 year old and
आई एम नॉट द बिगेस्ट जैकी चैन बट आई विल नेवर एन्जॉय मूवी दैट हैज सो मैनी जनरेशन इन दिस मूवी द जैकी चैन आर जूनिवली एंड नॉट वेरी अम्यूजिंग आई थ्रू आउट आई वॉज वॉचिंग ए थ्रिलियर बट आई वॉज फॉलिड इन टू ए एक्शन कॉमेडी मूवी बट आई हैड टू फ्रीनिस इट सो आई कैन नाउ हाउ द एंड गुड कैमरा मैन लुक द प्लॉट वॉज कन्फ्यूजिंग द यूज ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटी आई Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman how of this good think about remove from the wool plot the funny parts very not funny at all Homer was palace in the most stressful situation the ending was even more confusing I love Jackie Chan but this was not good at all anyone else release that it say United Nation especially Grover and Until that they're all in the butt is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the, and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft we want to second part also love you Jackie sir from India we are watching your film since childhood Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie is so informative inspiring eye-opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publisher and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false this unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this movie other than that this one is completely forgettable climax could have been better than the story plot elements and attempt at humor seem average blooding still was a mediocre movie with acceptable performance include Jackie Chan performance confused and international story and bad op this Chinese and a seriously purely construction movie plot holes major science fiction and good especially and Red Collection. Never op this I love Jackie Chan but in this movie he a really less part op this good really enjoy it not the usual crime steel and good science fiction and really different op amazing movie साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था। जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 79% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट
नोट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलर्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टूगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसाइड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64 ईयर ओल्ड एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वुल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, वीएफएक्स ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही कुड हैव क्रिएट लिटिल मैंथ एंड ट्विस्ट। बाई द वे आई थिंक इट इज़ गुड एवरेज मूवी डज नॉट डिसअपॉइंटमेंट यू द विथ जैकी चैन एक्शन वे एंड साइंस फिक्शन सीन्स। इट लुक्स लाइक दे विल मैक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गुड। आई रियली एन्जॉय दिस फिल्म। इट एड एक्शन एंड ए गुड स्टोरी। इट वॉज फाइन राइट अप अंटिल द एंड। स्पॉइलर अलर्ट द मैन विलन इज मोस्ट कार्टून क्लिड एट द एंड बट दैन द अनएक्सपेक्टेबल कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सीन्स। ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड। द मैन अपियर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुल्ड बी हैप्पी एंडिंग दिस मोर नो एंड सीन्स ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग। आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस। द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन। इट इज एक्शन पेकड सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन। यस द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी। द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर ब्रेस मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन। ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंड विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस। लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी। एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस वर डोंट एंड गुड अनोदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन। दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर देन करेक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ईटीसी जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड ही इज शो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट। फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन। माई हम्बल रिक्वेस्ट इट शो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 ईयर ओल्ड। I am not the biggest Jackie Chan but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. The Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller but I was folded into a action comedy movie but I had to finish it so I can now how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman how of this good think about remove from the whole plot the funny parts very not funny at all. Homer was palace in the most stressful situation. The ending was even more confusing. I love Jackie Chan but this was not good at all. Anyone is released that it say United Nation especially grow wide until
until that they are all in the but is reality there actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the, and another than Jackie Chan my favorite love the action but ye not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft we want to second part also love you Jackie sir from India we are watching your film since childhood Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie is so informative inspiring eye opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publisher and good highlight even throughout the movie said start a promise note and false this unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this movie other than that this one is completely forgettable climax could have been better than the story plot elements and attempt at humor seem average Blading Steel was a mediocre movie with acceptable performance include Jackie Chan performance confused and international story and bad op this Chinese and a seriously purely construction movie plot holes major science fiction and good especially and ridiculous never op this I love Jackie Chan but in this movie I really less part of this good really enjoy it not the usual crime steel and good science fiction and really different op amazing movie साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था। जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ Not the usual Jackie Chan flick. It is a science fiction cum action drama replete with emotional moments and an artificial heart. Jackie Chan play a character spanning from his mid-30s to a late 50s as is a police officer from between keeping his daughter safe and being close to her. There are some good action scenes, especially the one of about Sydney Opera House. It is the an unformatly short movie as per जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टुगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसाइड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64 ईयर ओल्ड एक्शन मास्टर जैकी चैन
एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मेक दिस मूवी ओके. स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, वीएफएक्स ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क. आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी. द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही कुड हैव क्रिएट लिटिल मैंथ एंड ट्विस्ट. बाई द वे आई थिंक इट इज गुड एवरेज मूवी डज नॉट डिसअपॉइंटमेंट यू द विथ जैकी चैन एक्शन वे एंड साइंस फिक्शन सीन्स. इट लुक्स लाइक दे विल मेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गुड. आई रियली एंजॉय दिस फिल्म. इट एड एक्शन एंड ए गुड स्टोरी. इट वॉज फाइन राइट अप अंटिल द एंड. स्पॉइलर अलर्ट, द मैन विलन इज मोस्ट कार्टून क्लिड एट द एंड बट दैन द अनएक्सपेक्टेबल कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिकेशन जम्प स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सीन्स. ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड. द मैन अपियर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुल्ड बी हैप्पी एंडिंग दिस मो नो एंड सीन्स ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग. आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस. द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन. इट इज एक्शन पैकड. सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट. आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज. दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन. यस द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी. द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर ब्रेस मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन. ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस. लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी. एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस व डोंट एंड गुड अनोदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन. दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर देन करेक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ETC जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड. ही इज सो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट. फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन. माई हम्बल रिक्वेस्ट इट सो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड वे स्पेंड ए कपल ऑफ हावर्स. सरप्राइज इट वॉज एक्शन साइंस फिक्शन जैकी चैन स्टिल मूवी ग्रेट फॉर 65 हेयर ओल्ड. I am not the biggest Jackie Chan, but I will never enjoy movie that has so many generation in this movie. That Jackie Chan are genuinely and not very amusing. I throughout I was watching a thriller, but I was falling into a action comedy movie. But I had to finish it so I can know how the and good cameraman look. The plot was confusing. The use of Australian city I don't. Don't see why when you have Chinese speaking cast then again in the use of this white woman. How of this good think about remove from the wool plot the funny parts very not funny at all. Homer was palace in the most stressful situation. The ending was even more confusing. I love Jackie Chan but this was not good at all. Anyone else release that it say United Nation especially growled until that they're all in the butt is reality. There actually no such thing and unsap and there was they would and doing this kind of stop. Why cannot to use Chinese police special force so that really threw me off the and another than Jackie Chan my favorite love the action but yeah not so good all through good movie but it could be more better is script and storyline have better craft. We want to shake second part also love you Jackie sir from India. We are watching your film since childhood. Jackie Chan is cheerily on top and this movie the movie so informative inspiring eye-opening and everything that you cannot think for young boys and girls to really publisher and good highlight even throughout the movie said started oh promise not and false. This unconvincing climax Jackie Chan is the only reason to watch this
दिस मूवी अदर दैन दैट दिस वन इज कंप्लीटली फॉरगेटेबल क्लिमिक्स कुल्ड हैव बीन बेटर दैन द स्टोरी प्लॉट एलिमेंट्स एंड अटैम्प्ट एट ह्यूमर सीम एवरेज ब्लडिंग स्टील वॉज ए मेडिकोर मूवी विथ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस इनक्लूड जैकी चैन परफॉर्मेंस कन्फ्यूज एंड टेडरनेशनल स्टोरी एंड बैड ऑफ दिस चाइनीज एंड ए सीरियसली प्योरली कंस्ट्रक्शन मूवी प्लॉट होल्स मेजर साइंस फिक्शन एंड गुड स्पेशली एंड रेड कलर्स नेवर ऑफ दिस आई लव जैकी चैन बट इन दिस मूवी आई रियली लेस पार्ट ऑफ दिस गुड रियली एंजो इट नॉट द यूजफुल क्राइम स्टील एंड गुड साइंस फिक्शन एंड रियली डिफरेंट ऑफ अमेजिंग मूवी। साल 2017 में रिलीज हुई ब्लडिंग स्टील मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ब्लडिंग स्टील मूवी था। जो साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि ब्लडिंग स्टील मूवी जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 49 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 49 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2017 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.1 है। और इस ब्लडिंग स्टील मूवी की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर लियो जांग थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं ब्लडिंग स्टील मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट द यूजफुल जैकी चैन फ्लिक। इट इज ए साइंस फिक्शन कम एक्शन ड्रामा रिप्लीट विथ इमोशनल मूवमेंट्स एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जैकी चैन प्ले ए करेक्टर स्पेनिंग फ्रॉम इज मिड 30 टू अलार्ट 50 एस इज पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिटवीन कीपिंग हिज डॉटर सैप एंड बींग क्लोज टू हेयर। देर आर सम गुड एक्शन सीन्स स्पेशली द वन ऑफ अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस। इट इज द एन अनफॉर्मेटली शॉर्ट मूवी एज पर जैकी चैन स्टैंडर्ड। हाउ एवर, इट इज दैट स्मॉल रनिंग स्पैन इज हैज मैनेज टू कैप्चर ड्रामा एक्शन एंड कमिंग रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्नो लो टूगेदर। दिस मूवी इज परफेक्ट फॉर ए लैड बैक इविंग एंड इट इज द फैमिली एंटरटेनमेंट। वी हैल ऑल हैव पैन ऑफ जैकी चैन फ्रॉम डिसैड एंड आई बिलीव दिस माइट बी दिस फर्स्ट बिग साइंस फिक्शन मूवी इन हिज लाइफ। ए 64-year-old एक्शन मास्टर जैकी चैन एंड वूल टीम रियली टुक लॉट्स ऑफ इफेक्ट टू मैक दिस मूवी ओके। स्क्रिप्ट वेरी गुड, एक्ट्रेस वेरी गुड, VFX ऑल थ्रू गुड, स्टोरी बट नॉट अप टू द मार्क। आई मिस्ड सम कॉमेडी ट्विस्ट इन द एक्शन विच यू माइट सीन इन दिस मोस्ट ऑफ मूवी। द स्टोरी प्ले अराउंड द गर्ल्स हु इज डॉटर ऑफ जैकी चैन इन मूवी बट आई डोंट नाउ वाई स्टोरी राइटर डिड नॉट गिव हेयर टास्क एट द पॉइंट ही could have create little myth and twist. By the way, I think it is good average movie, does not disappointment you. The with Jackie Chan action and science fiction since it looks like they will make second part of this good. I really enjoy this film, it had action and a good story, it was fine right up until the end. Spoiler alert, the main villain is most cartoon clear at the end, but then the unexpected.
कम्स बैक फॉर ए नॉन साइंटिफिक जम्प स्केयर दैट मैड इज अब्सोल्युटली नो सिंस ए मैन करेक्टर इज डेफिनेटली क्लिड एट द एंड द मैन अपीयर्स लेटर एंड स्केच सो दैट देर कुड बी हैप्पी एंडिंग दिस मोर नो एंड सिंस ऑल द दिस वॉज ए गुड मूवी अंटिल द अनरिलेटिक एंडिंग आई डी से इट इज ए मस्ट सीन फॉर ऑल जैकी चैन फैंस द बींग अलोंग द वर्थ द प्राइज ऑफ एडमिशन इट इज एक्शन पैकड सी योर सेल्फ एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी ऑलवेज दिस मूवी हैड वन थिंक गुड इन द एंड दैट इज जैकी चैन यज द प्लॉट वॉज ग्रिपिंग एंड फनी द मास्ट लाइट हार्ट मूवी इज गुड फॉर प्रेस मूड एंड वाट आई लव वॉज द चैन वॉज डूइंग ऑल द एक्शन ए फादर यू आर ट्राई टू फन डिसअपॉइंटमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग विथ सो मैनी क्वालिटी मूवी आउट अदर देन दिस मूवी कैन डेफिनेटली मिस लाइफ इज रियली टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ मूवी एक्शन सीन्स आर ओके बट आर डिसजॉइंट टू देयर एजुकेशन एंड एडिटिंग स्टोरी एंड पुअर गिविंग देन ऑफ मिस वोंट एंड गुड अनोदर एवरेज मूवी फ्रॉम द हाउस ऑफ जैकी चैन दिस टाइम साइंस फिक्शन प्लॉट विथ पेपर देन करेक्टर लॉक स्टोर स्टोरी लाइन ईटीसी जैकी चैन एक्शन इज नॉट गुड ही इज शो शोविंग एज इट कैन नॉट हैंडल सिंपल एड टू एंड कॉम्बैक्ट फैंस लाइक वी विल गेट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर एवरी फिल्म नाउ एंड देन माई हम्बल रिक्वेस्ट इट शो एंड गुड थिंक अबाउट फन मूवी जैकी चैन स्टिल एंटरटेनमेंट यू गुड पॉपकॉर्न मूवी एंड गुड